देखिए, अगर आपको याद होगा जब कश्मीर में भी भूकंप आया था तब हिंदुस्तान ने बाहर का एड नहीं माना, पाकिस्तान ने एड लिया, हम लोगों ने नहीं माना, हमने कहा कि हम खुद करेंगे। जब यहाँ पे सैलाब आया 14 में तो मरकज़ ने वादा किया कि हम इस सैलाब के पूरा करेंगे। आज तक कई लोग हैं जिनको ये वादा जो है पूरा नहीं हुआ। आज केरला में तूफान आया है, केरला के कई बाशिंदे जो हैं वो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक में काम करते हैं, उनकी इकोनॉमी को उनने बढ़ाया है। आज वो सरकार 700 करोड़ रुपया इनको भेजना चाहती है जो इनको मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ मरकजी सरकार को ये कबूल करना चाहिए और कबूल करना चाहिए कि इससे लोगों को और इमदाद मिल सकेगी, और जो उनके मकान सब उड़ गए हैं, उनका सारा जो था सामान ख़त्म हो गया है, वो फिर से खड़े हो सके। इसमें हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं या हम ये नहीं कर सकते, हमें ये लेना चाहिए। वहाँ के वज़ीर आला ने भी ये कहा है, बाकियों ने भी ये कहा है, ये वो एक गुड जेस्चर कर रहे हैं, हमें ये कबूल करके एक्सेप्ट करना चाहिए। सर, पाकिस्तान पीएम ने भी बोला है कि हम ऑफर करें। ज़रूर, देखिए मुझे पता नहीं है वो क्या देने वाले हैं, ये तो हमें पता है कि ये 700 करोड़ दे रहे हैं, तो ले लीजिए, ये इससे लोगों को मदद कीजिए, लोगों को इस मुसीबत से निकालिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो मुबारक करता हूँ यूएई की सरकार को कि जो उन्होंने दिल खोल के हमारे वतन के लोगों को मदद की।